लेसन नंबर थ्री थ्योरम नंबर टू स्टेटमेंट देखें जरा इसकी इफ टू कार्ड ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल देन दे आर आर्क्स माइनर मेजर और सेमी सर्कुलर आर कॉन्ग्रेंट इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल इफ टू कार्ड्स आर इक्वल देन दे कट ऑफ इक्वल आर्क्स सिंपल बात है उसी का कन्वर्स है थ्योरम वन का ये कन्वर्स है दो सर्कल्स हैं अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं और उनके कोई से दो कॉर्ड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके जो कॉर्ड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे जो थ्योरम वन था उसके अंदर हमने ये प्रूफ किया था कि अगर आर्क्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे या उसका उलट है अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं आर्क्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे ट्रायंगल्स कायम करेंगे ट्राइंगल्स को हम कोई पास कर प्रूव कर देंगे कि वो कॉन्ट है इसका थ्योरम जो है कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम को देखें जरा एक सर्कल है ए बी सी डी ए बी सी-डी पहले का सेंटर है ओ दूसरे का सेंटर है ओ डैश पहले का आर्क है ए डी सी दूसरे वाले की आर्क है ए डैश डी डैश सी डैश गिवन देखें जरा ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आर टू कॉन्ट सर्कल विदर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली सो दैट फॉर दॉ मैर ऑफ ए सीवल टू मईर ऑफ ए डैश सी डैश हमें गिवन है कि दो कार्ड की लेंथ जो है वो इक्वल है क्या प्रूफ करेंगे मैयर ऑफ आर्क ए डी सी इक्वल है मैयर ऑफ आर्क लेंथ ऑफ ए डैश डे डैश सी डैश ज्वाइन ओ विद ए विद सी ओ डैश विद ए डैश एंड ओ डैश विद सी डैश सो दैट वी कैनफॉर्म टू ट्राइंगल्स दो आर ट्राइंगल ए सी एंड ट्राइंगल ए डैश ओ डैश सी डैश डाइग्राम को देख लें आप इसमें एक ट्राइंगल देख लें ए ओ सी है ए डैश ओ डैश सी डैश है वही तरीका हम फॉलो करेंगे अच्छा डायाग्राम को देखा जाए अगर तो जहर सी बात है इसके दरमान कारस्पोंडेंस तो है ही है

साइड 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 पास्टुलेट पहली ट्राइंगल के तीनों साइड्स उसे कॉरेस्पोंडिंग दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपस में कॉनकरेंट हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं कॉनकरेंट हैं तो इसका मतलब ही हुआ कि एंगल जो होंगे सेंट्रल एंगल जो होंगे वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे यानी कि मेजर ऑफ एंगल एओसी इक्वल हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए डश ओ डश तो अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं उनके सेंट्रल एंगल्स इक्वल है उनके कारस्पॉन्डिंग कार्ड इक्वल है तो आर्क्स भी जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी थ्योरम जो है वो प्रूव्ड हो जाता है ये इसके डायग्राम को देख लें आप ये बिल्कुल सिंपल है थैंक यू